सवाल स्टार्ट करूं। तो आज आप लोग ग्रैंड प्रीमियर कर रहे हो अपनी पिक्चर घर अंगना की, जो पहली ऐसी ही मगही पिक्चर बनाई जा रही है, जिसका आपने नाम दिया कि इतिहास में जो परिवार को फिल्मों तक यानी कि थिएटर तक लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बताइए इस पिक्चर की पूरी कॉन्सेप्ट क्या है और साथ ही लोग क्यों पसंद करेंगे इस पिक्चर को। सर, ये सबसे पहले मैं राम जी निराला आप सबों को सारे दर्शकों को सादर नमस्कार करता हूँ। और मैं इस फिल्म के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म कम्प्लीटली पूरी पारिवारिक फिल्म है। और जहाँ तक मेरा सोच है, ये फिल्म सबों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी जैसा मेरा ख्याल है, लेकिन बाकी तो दर्शकों के विचार पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये फिल्म पूरी पारिवारिक है और इसके जितने भी पात्र हैं उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है। हमारी जितनी भी टीम है, हमारे डायरेक्टर सर संजू बाबा जी हैं, वो प्रोड्यूसर चंचला देवी जी हैं, बाकी ये अभिनेत्री डॉली जस जी हैं, बाकी और सारे जितने लोग, सारी टीम ने बहुत मेहनत की है। और इसमें इसका फिल्म का नाम है घर अंगना, लेकिन यूँ कहें कि ये हर घर की कहानी से रिलेटेड है। तो दूसरा नाम अगर हर घर की कहानी कहें तो भी अच्छा रहेगा। इस पिक्चर की कॉन्सेप्ट कैसे आई थी आप लोगों के पास और फिर आप लोगों ने सोचा कि चलो फाइनली इस पे काम करना चाहिए? इस पिक्चर का कॉन्सेप्ट एक्चुअली हमारे दिमाग की बच है। ये रामजनक निराला जी बहुत पहले वीडियो एल्बम वगैरह करते थे और भक्ति एल्बम वगैरह करते थे, कभी हम लोगों में आपस में किसी कारणवश मुलाकात हुई। उसी मुलाकात के दरमियान इन्होंने कहा था कि सर आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए, तो हमने कहा कि जो हमसे मदद हो सके मैं करूँगा। अक्सर हम लोग मिलना जुलना जारी रखे, तकरीबन एक साल के अंतराल हम लोग इस बात को फिर दोबारा याद किए। ये सामने से गए कि सर कोई भोजपुरी बनाएंगे, क्योंकि भोजपुरी ज़्यादा चलता है। तो मेरे जहन में एकाएक आया कि भोजपुरी में पहला नया चेहरा कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो बड़े कलाकारों के साथ कंपेयर करेंगे। तो मैंने ये सोचा कि भाई जिस मिट्टी से ये बने हुए हैं या जिस जगह से ये बिलोंग कर रहे हैं, मगध भाषी है, मैं भी मगध भाषी हूँ, और भाषा के लिए मैंने बहुत सा काम किया है, जैसे कुरठाना, कुड़ी, कुड़माली, मराठी, बहुत से मैंने किया, पंजाबी भी किया मैंने। लेकिन मुझे लगा कि चलो भाई सब भाषा का काम है, कुछ अपने भाषा का काम कर लिया जाए। तो मगही बड़ा ही प्यारा भाषा है, बहुत ही मगही क्षेत्र का इलाका बड़ा है, लेकिन क्या है कि मगही के लिए किसी ने सोचा नहीं। कुछ लोग प्रयास किए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही प्रयास किया हूँ, मेरे से पहले भी बहुत से लोग प्रयास किए, लेकिन धरातल पर आ नहीं सका, सही लोगों का प्यार मिल नहीं सका। तो मैं सोचा कि इसको हम लोग मगध क्षेत्र से स्टार्ट करके मगध प्रेमियों के बीच, मगध वासियों के बीच इसको पेशकश किया जाए। तो पहली बार अगर किसी को प्रेजेंट करते हैं तो बहुत सा उसमें मिर्च मसाला होना चाहिए, तभी लोग आपके सिनेमा हॉल या थिएटर तक आएंगे। तो हमने पारिवारिक फिल्म को चुना और उसमें बहुत से कुछ ऐसे हास्य व्यंग हैं जिसको मैंने सजाया इस फिल्म में। मेरा सवाल आपसे रहेगा रामजनक जी कि जब इस पूरी टीम की स्टार कास्ट को सिलेक्ट किया जा रहा था इस फिल्म के अंदर, तो आप तक बात कैसे पहुंची और फिर फाइनली आपको सिलेक्ट किया गया और चलो कि अब एक पिक्चर बनानी चाहिए ताकि मगही भाषा जो पिछले दो साल से लॉकडाउन भी थी देश में जैसा कि आप लोग जान रहे हो, फिर कैसे कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, फिर आपने अप्रोच किया लोगों को और फिर फिल्म बनानी शुरू हो गई? एक्चुअली जैसा कि अभी सर ने कहा कि उन्होंने कहानी तो उन्होंने लिखी है, तो जहाँ तक स्टार कास्ट की बात है तो हम लोगों ने मिलकर ये तय किया कि सर इसकी कहानी बहुत अच्छी है और इस पर एक फिल्म बनाई जाए, और जितने भी स्टार कास्ट हैं उनका चयन आप करें। डॉली जस जी, आप इस पिक्चर के अंदर में अभिनेत्री की भूमिका में नज़र आ रही हैं, जब आपके पास इस पिक्चर को लेकर बात कही गई, आपको शाइन किया गया, तो आपके मन अंदर क्या चल रहा था ऐसा कि चलो मुझे भी फाइनली मगही पिक्चर में काम करने का मौका मिल रहा है? और शायद मुझे जहाँ तक मालूम है ये डेब्यू पिक्चर भी आप लोगों की कही जा रही है मगही में, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जब कहानी आपके पास आई थी तो क्या कहानी आपने पढ़ा था या फिर संजू बाबा ने सिर्फ आपको अप्रोच किया और फिर आप फाइनली आपने कहा कि हाँ चलो मैं पिक्चर करती हूँ? मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जो
अच्छी हो तभी उन्होंने मुझे अप्रोच वो मुझे अप्रोच करे। ऐसे भी उम्दा कलाकार हैं, ये बहुत ही उम्दा कलाकार हैं दोनों। मुझे लगा कि इस तरह की जो कैरेक्टर जो है चुलबुली कैरेक्टर ये इन पर फिट बैठेगा, इसके लिए मैंने सर ने बोला तो मुझे लगा कि मेरा ये पहला डेब्यू है। अब तो मैंने बोला कि सर आप ही अब कर सकते हो, मैं क्या करूँगी नहीं करूँगी, आप पे मैंने छोड़ दिया ये चीज़ें। तो सर ने कोशिश करा, मैंने शायद कोशिश करा, आप लोग बताएंगे कि कैसा कोशिश। मेरा सवाल अब चंचला जी से रहेगा जो इस पिक्चर की प्रोड्यूसर हैं। फाइनली आपके जितने भी स्टार कास्ट हैं वो सारे नए हैं, संजू बाबा ने इस पिक्चर को बड़े अच्छे से इसे फिल्माया है, क्या कहेंगे इस पिक्चर को लेकर जब फाइनली इन सारे कलाकारों को चुना गया, तो आपके मन में क्या ख्याल आ रहे थे इस पिक्चर को लेकर? मन में ख्याल आया कि मेरा भाई का मेरा भाई बचपन से ही उसको शौक था, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, तो हम सोचे कि जब इसको बनना ही है तो कुछ बना दें, तो इसका मैंने कि कलाकारी को इसमें पूरा भरा हुआ है, गाना जितना फिल्म में है ये सब अपने से ही गाया है, उससे ही गाया है, और हर चीज़ का मैंने इसका एक्टिंग मैंने है इसका अंदर में। तो हम भी सोचे कि नहीं मेरा भाई को मैंने ऊँचा मकाम तक पहुँचा दूँ। इनके लिए दो शब्द में बोलना चाहूँगा, ऐसा नहीं कि इस फिल्म में ये अपने भाई के लिए सोचे हैं, इस फिल्म में जितने भी कलाकार हैं या टेक्नीशियन हैं सबके बारे में इन्होंने सोचा है। और मुझे लगता है कि मघी बाहर से फिल्म की ये जो निर्मात्री बन के आई हैं सामने, ये समझिए इतिहास लिखा जाएगा इनके नाम का। मघी भाषा इसलिए मैं बनाई हूँ कि ससुराल भी मेरा यहीं का है, जहानाबाद जिला का है, मायके है औरंगाबाद जिला का, इसीलिए हम सोचूँ मैंने मघी फिल्म बनाया जाए। क्या दर्शकों को मघी के अलावा भोजपुरी पिक्चरों में भी आप प्रोड्यूस करती हुई नजर आएंगी? चलती के नाम गाड़ी हो सुना है आपने, अगर उस गाड़ी पर सवार हो जाएंगी तो आगे भी सिलसिला जारी रहेगा जी। मेरा सवाल अब फाइनली रामजनक जी से रहेगा कि आज पिक्चर आपके थिएटरों में आ गई है, रिलीज होने को तैयार है, कुछ देर के बाद इसकी प्रीमियर शुरू कर दी जाएगी, अपने दर्शकों से अपने फैन से क्या उम्मीदें हैं आपकी, और साथ ही इस पिक्चर की जो कॉन्सेप्ट बनी है वो पब्लिक को कितना पसंद आएगी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो जहाँ तक आपने ये पूछा कि पब्लिक को कितनी पसंद आएगी, मैंने पहले भी कहा है जहाँ तक पब्लिक को काफ़ी पसंद आएगी ऐसा मेरा विश्वास है, और बाकी तो पब्लिक पे डिपेंड करता ही है, पब्लिक बहुत बड़े भगवान होते हैं, सबसे बड़ा आशीर्वाद उन्हीं का होना चाहिए। चूँकि ये फिल्म मैंने बार बार कह रहा हूँ, ये बात मैंने बार बार कही है कि फिल्म कम्प्लीटली पारिवारिक है, पूरी तरह से इसमें पारिवारिक कहानी है और हर तरह के रस इसमें भरे हैं, कॉमेडी, इमोशन, ड्रामा, एक्शन, रोमांस, कम्प्लीटली हर रस से ये हर तरह की इसमें रचना की गई है, हर तरह के कलाकारों ने मेहनत की है। जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि ये फिल्म पब्लिक को पसंद नहीं बहुत ज़्यादा। जो भी फैंस अब थिएटरों में आएंगे इस पिक्चर को देखने के लिए, और साथ ही जितने भी तमाम लोग हैं जिन तक है इस मीडिया के माध्यम से जानकारियां जा रही है, उन सभी फैंस को आप क्या कहना चाहेंगे सारे स्टार कास्ट? स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हमारा लोक भाषा है मगही, तो आप लोग अपने क्षेत्र के आर्टिस्ट लोग को बढ़ावा दें, आप लोग आशीर्वाद प्यार दें, मगही मूवी है, एक बार ज़रूर आके सिनेमा हॉलों में देखें, फिर आप लोग आगे कि हम लोग क्या हैं क्या कर सकते हैं और आगे तो बढ़ने का आशीर्वाद दें। ये जो घर अंगना फिल्म है ये समझिए हमारी फिल्म नहीं है, बल्कि जितने भी ऑडियंस हैं या जितने भी लोग हैं उन्हीं के घर अंगना की कहानी है, तो एक बार अपने घर अंगना की कहानी को देखने के लिए आपको सिनेमा हॉल तक आना ही पड़ेगा। आप बोलिए रामचरण। और इस फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं सुखम रजक जी, तो इनसे भी दो चार शब्द पूछ लिया जाएगा। चलिए मैं फाइनली आपसे भी सवाल कर लेता हूँ चाचा जी, को प्रोड्यूसर हैं आप इस पिक्चर के अंदर में, जब इतने स्टार कास्ट को लेकर आप भारी भरकम एक मगही पिक्चर बना रहे थे, तो आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट था कि हमारे जो कलाकार जब बड़े पर्दे पे आएंगे तो मगही भाषा का एक बार फिर से जो वर्चस्व है, मान सम्मान है, एक बार फिर दर्शकों तक पहुँचेगा? लड़का तो पढ़ाने लिखाने में हम इतना अच्छी है, आगे नहीं पढ़े
हम सोचे कि जैसा आपको क्या इसके बाद भी और पिक्चरें हमें देखने को मिलेंगी मघी और शादी भोजपुरी जिसमें आप को प्रोड्यूस या फिर आप कहें तो खुद ही मेन प्रोड्यूसर के तौर पे नज़र आएंगे? नज़र तो जरूर आएगा, ऊपर वाला का दिन है तो ऐसे करेगा नज़र, दूसरा भी बन सकता है। चलिए थैंक यू आप सभी को। और इस पिक्चर मघी में मैं कहना चाहता हूँ जी, एक्चुअली जहाँ तक मघी की बात हो रही है तो यहाँ जितने भी फैंस हैं, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सबको फिर से एक बार नमस्कार करता हूँ। और जहाँ तक मैं कुछ मघी में कहना चाहता हूँ, देखिए रउआ सबसे यही निवेदन है कि अपने ही हमनी सबके भगवान है ये, अपने अगर आशीर्वाद दे दे भाई तो जीरो से हीरो बना दे, काहे कि अपने ही के चलते हमने इतना मेहनत करके फिल्म के बनाने की कोशिश कर ली है मेहनत के लिए। तो अपने सबसे बार बार गुजारिश है कि अपने एक बार आ करके थिएटर तक की फिल्म के जरूर देखिए, हर घर की कहानी मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात जैसा कि हमार हीरोइन जी बोल रही है, मघी में तो हीरोइन जी कह सकेंगे तो इनका कहना है कि बहुत अच्छा गाना है, तो वास्तव में बहुत अच्छा गाना है। हमने तो अपने से कही थी कि बहुत अच्छा गाना है, लेकिन रउआ सब कह सका ये सुन करके देख करके थिएटर में सिनेमा हॉल में जा करके, वास्तव में हमने जो कही थी वो सही है कि गलत है, और दो लाइन हम अपने सबसे सुना रही थी। इस फिल्म के जब फिल्म बनी थी उतनी घड़ी एक गाना जब लोग सुन रहे थे बनला के बाद तो बहुत पसंद आ रही है सबके, अपने सब भी सुन भाई तो अनुमान लगा भी कि हाँ सचमुच पसंद करे लायक थी। दो लाइन होकर हम सुनावे थे, दुनिया में होते कितनो सुनर भले चांद के, अरे सुनर भले चांद के, तू तो हाही चांदावो से सुंदर हमर जान गे, तू तो हाही चांदावो से सुंदर हमर जान गे। गाना की यही बोल है, कहे के मतलब है कि एक लड़की के या सुंदरता के तारीफ कर गई, तो ये गाना के काफ़ी लोग पसंद करती हैं। अगर अपने सबके पसंद अलग होता करी दो लाइन तो आशीर्वाद चाहब बस। थैंक यू सो मच। और आप लोग की पिक्चर जाए और पब्लिक बहुत भारी मात्रा में है, पिक्चर बहुत हिट हो मघी में। थैंक यू।